अगर आपको किडनी की बीमारी हो गई है तो आपको आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल लो प्रोटीन डाइट खाने की सलाह देगा। अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा कम कर देंगे तो आपको धीरे धीरे लगने लगेगा कि आपके शरीर में कैलोरी की मात्रा भी कम होती जा रही है। ये काफी जरूरी है कि आपके शरीर में सही मात्रा में कैलोरी पहुंचती जाए ताकि आपका वेट हेल्दी बना रहे और आपके शरीर के सारे अंग सही से काम करते रहें। अगर आप अपने सूप, सैलेड और मेन डिशों में थोड़ा सा पास्ता डालना चालू कर दें तो आपकी डिश काफी टेस्टी और काफी कैलोरी से भरी हो जाएगी। आप पास्ता में सब्जियां डाल के, अलग अलग प्रकार के गेहूं और चावल डाल के इसकी एक मेन डिश बना सकते हैं। पास्ता में काफी कम मात्रा में प्रोटीन होता है पर इनमें कैलोरीज होती हैं काफी ज्यादा, तो आप अपनी प्रोटीन की लिमिट को देखते हुए अपने खाने में पास्ता की मात्रा बढ़ा सकते हैं। आजकल पास्ता कई सारी वैरायटीज में आते हैं। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो ये चेक करना जरूरी है कि जो पास्ता आप खरीद रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं, कहीं इनमें कोई ऐसी चीज तो नहीं जो किडनी की बीमारी में आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए जरूरी ये है कि कोई भी पैकेट वाला पास्ता खरीदने से पहले आप उसका लेबल जरूर चेक कर लें कि वो पास्ता आपके लिए कितना फायदेमंद है या कितना नुकसानदायक। जैसे कि कुछ पास्ता में नमक की मात्रा ज्यादा होती है और नमक भी आपको अपनी किडनी की बीमारियों में नहीं खाना है, तो यानी आपको ऐसा पास्ता नहीं खाना है जिन्हें प्रिजर्व करने के लिए उनमें नमक या सोडियम डाला गया है। कई सारे पास्ता अंडे से भी बनते हैं, उनमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। पास्ता में किस टाइप के न्यूट्रिशन है ये इस चीज पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके के आटे से बना है। पास्ता गेहूं, कॉर्न, सोया और बहुत सारी अलग अलग चीजों से बन सकता है। अगर पास्ता सोया के आटे से बना है तो उसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होगा। चावल और कॉर्न के आटे में कम मात्रा में प्रोटीन होता है, तो आपको ये चेक करते रहना है कि आपके शरीर में पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा भी ना बढ़ रही हो, क्योंकि आपको सिर्फ प्रोटीन को ध्यान में नहीं रखना है, ये चीजें भी आपके शरीर में किडनी की बीमारी को बढ़ा सकती हैं। तो यानी आपको ऐसे पास्ता खाना है जिनमें प्रोटीन और सोडियम की मात्रा बहुत ही कम हो ताकि आपकी किडनी की डाइट का बहुत अच्छा हिस्सा हो सकती है। पर हाँ, सॉस और टॉपिंग पर ध्यान रखिए। पास्ता कौन सा खाना है इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि आप उसको किस तरीके के सॉस के साथ खा रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर टोमेटो सॉस में भारी मात्रा में सोडियम, पोटेशियम और चीनी हो सकती है, तो इसलिए कोई भी सॉस लेने से पहले उसका लेबल जरूर चेक कर लें। आप कोशिश करें कि टोमेटो सॉस की जगह आप अपने पास्ता को गार्लिक और ऑलिव ऑयल से बनाएं। गार्लिक और ऑलिव ऑयल में बहुत सारे न्यूट्रिशन भी होते हैं जो आपके शरीर को काफी फायदा पहुंचा सकते हैं। आपको ये भी देखना है कि आप सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन खा रहे हैं और कहीं आप इसे ज्यादा तो नहीं ले रहे। कार्बोहाइड्रेट को चेक करना इसलिए भी जरूरी है कि अगर आपको डायबिटीज है तो ये डायबिटीज को बढ़ा देगा और आपकी किडनी पर और ज्यादा प्रेशर पड़ने लगेगा। आप अपने डायटिशियन से पूछ सकते हैं कि आपको कितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और बाकी न्यूट्रिएंट लेने हैं ताकि आपकी किडनी की बीमारी आपके कंट्रोल में रहे। पर सिर्फ कंट्रोल में रहकर आपकी किडनी की बीमारियां ठीक नहीं होंगी, आपको जरूरत पड़ेगी कर्मा आयुर्वेदा के अचूक आयुर्वेदिक इलाज की। यहां डॉक्टर पुनीत धवन ने दुनिया भर के 35,000 से ज्यादा किडनी के पेशेंटों का सक्सेसफुल इलाज कर दिखाया है। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। आपका संगीता दास। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? उड़ीसा, संबलपुर। उड़ीसा, काफी दूर से आए हैं सर। जब आए थे उस समय क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको संगीता जी? चलने में थकावट हो रही थी, अभी भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। पहले से कम है? हाँ, पहले से कम है। और क्या क्या? भूख नहीं लग रही थी, अभी भूख लग रही है। ठीक है, ज्यादा नहीं, कम लग रही है। ठीक है। हाँ। और भी काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस थी जब आप आए थे, क्रिएटिनिन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। बढ़ रहा था, अभी कम हो रहा है, कंट्रोल हुआ है। बहुत अच्छी चीज है, बहुत आसान है। और क्या क्या तकलीफ हो रही थी आप तो देख रहे होंगे साथ में? क्या सर, इधर आइए, सामने आइए, आप आइए, आइए। पहले से तो काफी फर्क पड़ा है, प्रेग्नेंट पहले बहुत तेजी से इनका इंक्रीज कर रहा था, 5.6 तक बहुत तेजी से धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब ठीक है, कम रहा है, अच्छा कर रहा है सर। देखिए, क्रिएटिनिन जब आए थे 5.6 के आसपास था इनका, और ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में चल रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। उड़ीसा से ही इन्होंने रिपोर्ट्स कराई और अब एक लेटेस्ट इन्होंने कराई है, इसके अंदर 3.1 की रेंज में आ चुका है। 3.1 यानी कि पहले बढ़ा नहीं है और रिड्यूस भी हुआ है। और किस किस प्रकार से इस क्रिएटिनिन को रिड्यूस किया जा सकता है इस गंभीर किडनी की बीमारी को
मात दी जा सकती है, जो इस उसी उसमें आज एक और कड़ी जुड़ गई संगीता के नाम से, जिनका क्रिएटिनिन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, आज हमारे साथ है। उड़ीसा संबलपुर काफी दूर है सर, कितना किलोमीटर है यहाँ से? 1500 किलोमीटर दूर से आज यहाँ पे आई हुई हैं उड़ीसा से, और बहुत गंभीर उस समय प्रॉब्लम थी इनको, और अभी काफ़ी हद तक इनको रिलीफ मिला है, आराम मिला है, तो अच्छे से इन्होंने फॉलो भी करा जैसे ऐसे बताया था। तो देखा आपने कैसे डॉक्टर पुनीत धवन ने अपने आयुर्वेदिक ज्ञान द्वारा इस पेशेंट की जिंदगी बना दी। आशा है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, हेल्दी रहें, खुश रहें। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 09871712050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।